बीपीएससी के शिक्षक बहाली को लेकर आज तीसरी दिन है और तीसरे दिन परीक्षा को लेकर जो एन कॉलेज में काफ़ी भीड़ है। जो अभ्यर्थी हैं, शिक्षक अभ्यर्थी, वो दूर दराज इलाकों से परीक्षा देने आए हैं। आपको बता दें कि 28 जिलों में बनाए गए हैं 555 परीक्षा केंद्र और परीक्षा ली जा रही है। वहीं आपको बता दें कि 3,50,000 से अधिक अभ्यर्थी इसमें परीक्षा में शामिल हो रहे हैं। वहीं एक ही पाली में परीक्षा का आयोजन किया गया है जिसमें 12 बजे से शुरू होकर 2:30 बजे चलेगा, वहीं 11 बजे ही इंट्री होनी है। तो ऐसे में जो अभ्यर्थी हैं उनसे हम बात करते हैं, कहां से आए हैं और जो परीक्षा देने के लिए केंद्रों पर देखिए किस तरीके से भीड़ लगी हुई है और इंट्री शुरू हो चुकी है क्योंकि 11 बज चुका है और 11 बजने में बस ही कोई देखिए किस तरीके से। कहाँ से आए हैं सर? मैं पंजाब से आया हूँ। पंजाब से किस चीज़ की परीक्षा देने आए? मेरी सिस्टर आई है। सिस्टर किस चीज़ की है? फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल। तो देखिए जिस तरीके से बिहार के बाहर से भी लोग आ रहे हैं परीक्षा देने और केंद्र पर जो देखिए एंट्री है वो शुरू हो गई है और किस तरीके से हाथों में एडमिट कार्ड, आधार कार्ड और तमाम जो प्रूफ है वो लेकर डॉक्यूमेंट अंदर जाना है और उसे दिखाने के बाद ही उनकी परीक्षा शुरू होगी। तो ऐसे में आपको बता दें कि 555 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिसमें पेरेंट्स भी इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा बच्चा जो है पास हो और दूर दराज इलाकों से बिहार में, बल्कि बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के बाहर से भी अभ्यर्थी यहाँ पर आकर परीक्षा दे रहे हैं। देखिए भागे भागे अंदर जा रही हैं किस तरीके से, बस समय हो चुका है और समय जो है वो जैसे ही होता है तो जो अभ्यर्थी होते हैं वो काफ़ी परेशान हो जाते हैं। क्या कहेंगे सर, कहाँ से आए हैं और किन का एग्ज़ाम दिलवा? प्रयागराज से आए हैं हम। प्रयागराज से अपनी बेटी का एग्ज़ाम दिलाने आए। प्रयागराज जी पहली बार दे रही हैं? इसके पहले भी दे चुके हैं? इस पहले यूपी में दिया है। यहाँ पहली बार आए। यहाँ पहली बार। क्या उम्मीद लग रही है जिस तरीके से पारदर्शिता रखी गई है बीपीएससी के द्वारा, उससे उम्मीदें लग रही है कि मतलब इस बार सिलेक्शन हो जाए? जी 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 बिल्कुल। सेंटर पर काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से जो परीक्षा है वो ली जा रही है। जो पेरेंट्स हैं वो, क्योंकि कई अभ्यर्थी जो है वो अंदर प्रवेश कर चुके हैं क्योंकि समय हो चुका है और समय होते ही जो है इंतज़ार वो अब ख़त्म हुई और देखिए किस तरीके से गेट पर हम देखें जो अभ्यर्थी हैं वो अंदर घुस चुके हैं और धीरे धीरे जो समय है वो अब हो चुका है। अंदर जाने के बाद जो है वो अपने पूरी प्रक्रिया के साथ ही अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच रहे हैं और परीक्षा केंद्र पर जो है पूरी प्रक्रिया जांच होने के बाद उन्हें क्लासरूम में भेजा जाएगा और जो भी परीक्षा है वो ली जा रही है। तो ऐसे में आपको बता दें कि आज 3 परीक्षा, देखिए अभ्यर्थी जो है किस तरीके से भागती हुई नज़र आ रही है, दौड़ती हुई, क्योंकि समय हो चुका है और समय की घंटी जो है वो बज चुकी है। तो जो इंतज़ार कर रही थी अब बीपीएससी की, आज तीसरे दिन है परीक्षा के और ऐसे में अभ्यर्थी शिक्षक बहाली को लेकर काफ़ी दूर दराज इलाकों से जो अभ्यर्थी हैं वो पहुंचे हैं। बिहार के अन्य राज्यों से भी लोग आ रहे हैं क्योंकि जो सरकार ने आरक्षण दी थी कि आरक्षण में बिहार के बाहर के भी अभ्यर्थी अब बिहार में शिक्षक हो सकते हैं। तो ऐसे में तमाम खबरों के लिए आप बने रहें लाइव इंडिया हर